अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खीर। राइस खीर है ये, जो कि बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। तो इसके लिए देखते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 60 ग्राम चावल लिए हैं, यानी 4 टेबल स्पून चावल लिया है, जिसको कि अच्छी तरह से धोकर और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। खीर में चावल बहुत फाइन क्वालिटी का यूज़ नहीं होता है। इसमें हमने ब्रोकन राइस लिया है, जो कि मोटा होता है, और ये चावल नया होता है। नए चावल में स्टार्च ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से इसमें जो क्रीमी स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा आता है। बिरयानी वाला, पुलाव वाला या जर्दे वाला फाइन चावल इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसमें मोटा और रफ़ चावल ही खीर में इस्तेमाल होता है। और साथ में यूज़ होगी इसमें शुगर सेम अमाउंट में, जितने चावल हैं उतने ही शुगर, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं यहाँ पे मैंने, सूखा नारियल यानी गोला, काजू, बादाम। ड्राई फ्रूट अपनी चॉइस पर हैं, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किशमिश और चिरौंजी भी। इनको चॉप कर लेंगे। और खुशबू के लिए मैंने यहाँ 4 हरी इलायची, उनको क्रश कर लिया है मोटा मोटा, और 50 ग्राम खोवा यूज़ करा है। आप खोवा बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम दूध है। खीर बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम दूध ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसमें बहुत अच्छा सा टेक्सचर आता है। क्रीम की वजह से ही खीर हमारी क्रीमी क्रीमी बनती है, बहुत फाइन बनती है। इसको हम अभी हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रखते हैं। और यहाँ पे मैंने ज़ाफ़रान के कुछ धागे लिए हैं, जिनको मैंने दूध में भिगो रही हूँ। यहाँ मैं 1 कप दूध अलग कर रही हूँ, जिसमें मैंने ज़ाफ़रान को भिगो दिया है। इस दूध को हम बाद में ऐड करेंगे। और दूध में अच्छी तरह से बॉईल आने देते हैं और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। जब दूध में बॉईल आ जाएगा, तब जो हमने चावल धोकर भिगो कर रखे थे वो ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। खीर बनाते टाइम जो स्पून है वो हम पॉट में डला रहने देते हैं। ऐसा करने से दूध बाहर गिरता नहीं है। और इसको इस तरह से कवर करना है कि जो पॉट है वो आधा खुला रहे, बिल्कुल कवर नहीं करना, वरना मिल्क बाहर गिर जाएगा। इसको इसी तरह से पकाना है जब तक कि हमारे राइस अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होते। साइड में जो मलाई इकट्ठी हो गई है उसको स्क्रैच करके दूध में ही मिला देंगे। ऐसा करने से खीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये स्टेप ज़रूर करें, जब भी मलाई साइड में इकट्ठी हो जाए तो इसको स्क्रैच करके दूध में डाल दें और फिर इसको कवर करके कुक करेंगे। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। यहाँ पर मिल्क को 50% रिड्यूस करना है। देखिए, मिल्क रिड्यूस हो गया है, कितना कम हो गया है। अब हम इसे चला कर देखते हैं। और जो स्पून की बैक साइड है उसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे कि जो राइस हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएं। अब हम इसको फिर कवर करते हैं इस तरह से कि बिल्कुल कवर हो जाएगा, और जो फ्लेम है गैस की उसको बिल्कुल लो, और इस तरह से हम 5 मिनट के लिए और कुक करते हैं। दूध बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। यहाँ टोटल मैंने 35 मिनट ये खीर कुक करी है। दूध बहुत अच्छी तरह से थिक हो गया है और जो राइस हैं वो भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें चेक करते हैं, राइस लेकर स्पून से चेक करके देखते हैं कि सारे चावल सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। देखिए, चावल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमें इन्हें से मैश करना है। अगर आपके पास हैवी स्पून नहीं है तो जिससे दाल मैश करते हैं उससे इसको मैश करें अच्छी तरह से। मैं इसे स्पून से मैश कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, चावल और दूध बिल्कुल एक हो रहे हैं। तो अब स्टेज पर हम यहाँ इसमें मीठा ऐड करते हैं। तो जितने चावल थे मैंने उतनी ही शुगर इसमें ऐड कर दी है। ये बिल्कुल परफेक्ट था। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा ऐड करें। और फ्लेवर के लिए यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर इस्तेमाल करा है। इनको डालकर मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम यहाँ पर मीडियम है। जो दूध हमने अलग करा था, जिसमें हमने कि सेफ्रॉन भिगो के रखे थे, वो दूध यहाँ ऐड कर देंगे।
और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे फ्लेवर के साथ और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में ये खीर बनके तैयार हुई है। जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको हमने कट कर लिया है, वो भी यहाँ ऐड कर देंगे। ये 50 ग्राम मावा है, इसको हमने यहाँ पर डाला है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बिना भी ये जो खीर है बहुत ही क्रीमी, बहुत ही रिच तैयार हुई है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, और खोवे को डालकर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि गर्म खीर में ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो मज़ेदार सी क्रीमी सी खीर बन के बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। कि चावल में स्टार्च इतना अच्छा था और जो मिल्क था हमने फुल क्रीम मिल्क लिया था, जिसकी वजह से बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छी ये खीर हमारी तैयार हुई है। बस ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि खीर ठंडी होने के बाद और ज़्यादा थिक होती है। तब इसको हम डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं इसका टेक्स्चर। ये ठंडी होने के बाद इस तरह की तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की खीर है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।